नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मोनाली और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उन्नाव कठुआ मामले में राहुल गांधी ने उठाई इंसाफ की आवाज, आधी रात को लोगों ने इंडिया गेट पर किया कैंडल मार्च। उधर उन्नाव गैंगरेप मामले में यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इधर राम मंदिर के हिमायती शिया वक्फ बोर्ड चीफ की हत्या कराना चाहता है दाऊद अब्राहिम। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर विस्तार से। ऐसे वक्त में जब उन्नाव और कठुआ के रेप केस पर और इनमें गुनहगारों को बचाने की बेशर्म कोशिशों को लेकर पूरे देश में गुस्सा दिख रहा है, गुरुवार आधी रात को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी टीम के साथ इंडिया गेट पर उतरे। राहुल गांधी ने देश को झकझोर कर रख देने वाले इन आपराधिक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सिस्टम की असंवेदनशीलता पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने उन्नाव केस में बीजेपी सरकार को असंवेदनशील कहा तो पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि इन घटनाओं पर लाखों भारतीयों की तरह मेरा दिल भी दुखी है, हम महिलाओं को इस हाल में नहीं छोड़ सकते, आइए शांति और इंसाफ के लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च में हिस्सा ले। राहुल की इस अपील पर आधी रात को इंडिया गेट पर युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। यूपी के उन्नाव में रेप के आरोपी बीजेपी विधायक पर एक एक्शन में देरी और पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद कार्रवाई करने में देरी से जहां बीजेपी निशाने पर थी और जम्मू के कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के रेप मर्डर के विभत्स मामले पर देश गुस्से में था, तो आधी रात को राहुल गांधी ने कैंडल मार्च कर देश के गुस्से को अपनी आवाज दी और केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को कटखरे में खड़ा कर दिया। आखिरकार शुक्रवार सुबह सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया, लेकिन इससे पहले मोदी और योगी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उधर उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद इस मामले में अब तक चुप्पी साधे रखे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले में 260 दिन बाद आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने दाऊद इब्राहिम गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों संदिग्ध उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपी देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें दाऊद इब्राहिम गैंग से आदेश मिला था। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। रिजवी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की भी वकालत कर चुके हैं। वसीम रिजवी ने सुझाव देते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या से हटकर कहीं भी सौहार्दपूर्ण माहौल में मस्जिद का निर्माण किया जाए। हाल ही में वसीम रिजवी ने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के लिए दारुल उलम और मदरसों में रह रहे विदेशी कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया था। रिजवी ने कहा था कि दारुल उलम के अलावा बर्मा, नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर और पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मदरसों में हिंदू और शिया समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी मानसिकता तैयार की जा रही है। इसके बाद से ही वसीम रिजवी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नए दौर में आज की आवश्यकता अनुसार पहुंचाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर। डाटा क्यूब के साथ 10,000 कस्टमरों के सेटिस्फाइड अनुभव के साथ बनवाइए अपने व्यापार की वेबसाइट, पोर्टल, ऐप व सभी प्रकार के ऑनलाइन डिजिटल प्रमोशन।
11 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने हांगकांग से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को गिरफ्तार करने को कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हांगकांग के अधिकारियों से जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आभूषण कारोबारी नीरव मोदी देश से पलायन कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने हांगकांग में अधिकारियों से नीरव मोदी को भारत को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया, भारत और हांगकांग के बीच भगोड़े अपराधियों को सौंपने को लेकर समझौता है, हमें अभी उनके जवाब का इंतजार है। कुमार ने यह भी बताया कि वहां स्थित भारतीय मिशन के मुताबिक न्याय विभाग भारत की ओर से मोदी की गिरफ्तारी के अस्थायी आदेश की मांग की जांच कर रहा है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक को 12,600 करोड़ रुपए की चपत लगाने के आरोपी हैं। उनके ऊपर 1,300 करोड़ रुपए के और फर्जीवाड़े का आरोप है। और अब प्रकृति रॉय भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस ITPP की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट कॉम्बैट ड्यूटी बनने जा रही हैं। भारत चीन सरहद पर महिला जवानों की तैनाती तो की जाती थी, लेकिन अधिकारियों की तैनाती नहीं होती है। अब प्रकृति रॉय पहली ऐसी महिला अधिकारी होंगी जो कि भारत चीन सरहद पर तैनात होंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रकृति रॉय को भारत चीन सरहद से सटे नाथुला दर्रे के उस इलाके में तैनात किया जाएगा जहां साल भर पारा शून्य से नीचे रहता है। तैनाती से पहले प्रकृति रॉय को इनको मसूरी में कॉम्बैट ट्रेनिंग की खास तकनीक सिखाई जाएगी। प्रकृति रॉय देश की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जिन्हें भारत चीन सरहद से सटे कुछ ऐसे दुर्गम इलाकों में सीमाओं की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। बता दें कि प्रकृति रॉय का चयन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पहली लड़ाकू अधिकारी के रूप में हुआ है। भारत के किशोर शूटर अनीश भानवाला ने गोल्ड कोस्ट में वो कारनामा किया है जिस पर देश को नाज रहेगा। 15 साल के अनीश ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा और देश की झोली में 16वां गोल्ड मेडल डाल दिया। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ ये कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। अनीश ने हमवतन 16 साल के निशानेबाज मनु भाकेर का रिकॉर्ड तोड़ा। मनु ने इन्हीं खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता था। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।